नमस्कार दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट गुरुवार से साउथहैम्पटन में हो रहा है। साउथहैम्पटन टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुननी है, लेकिन उसका ये फैसला गलत साबित हो रहा है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 4 विकेट गिरा दिए हैं। जसप्रीत बुमराह 2 और ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या 1 से 1 विकेट झटक चुके हैं। चौथे टेस्ट का पहला विकेट जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर में झटका। उन्होंने अपनी जबरदस्त इनर स्विंगर से ओपनर जेनिंग्स को शून्य पर पैवेलियन भेज दिया। इसके बाद ईशांत शर्मा ने जो रूट को 4 रन पर पैवेलियन की राहत दिखाई, ये उनका 250वां टेस्ट विकेट है। इसके बाद बुमराह ने बेरस्टो को आउट कर भारत को तीसरी कामयाबी दिलाई। कुक ने क्रीज पर टिकने की कोशिश की, लेकिन 17 रन के निजी स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने उनका खेल खत्म कर दिया। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्लेइंग 11 में बदलाव ना कर सभी को चौंकाया। अपनी कप्तानी में उन्होंने पहली बार प्लेइंग 11 में नहीं किया। कोहली ने 38 टेस्ट के बाद प्लेइंग 11 नहीं बदली। टीम इंडिया ने साल 2014 में इंग्लैंड दौरे पर साउथहैम्पटन में ही टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 बदली थी, और उसके बाद धोनी से लेकर विराट तक दोनों ही कप्तानों ने हर टेस्ट मैच में टीम बदली। दोस्तों, ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट बनवाकर 100 रन बना लिए हैं। देश दुनिया और मौसम की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।